नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो माइलेज का इश्यू है, पिकअप का इश्यू है, इस पे बात करेंगे। ये हमारी गाड़ी है आइसर 2114 सीएनजी टर्बो इंटरकूलर। ये गाड़ी माइलेज कम देती है। इसमें देखिए दिक्कत क्या है, आज हम इसके इंजेक्टर चेक करेंगे। आपने हेड वगैरह सभी चेक कर लिया है, हेड टैपट प्लग वगैरह से भी चेक कर लिए हैं, तो एक बार इंजेक्टर को भी ज़रूर चेक करें। देखिए हमने गाड़ी का स्विच लगा रखा है और स्विच ऑन में हमारे इंजेक्टर से गैस लीक हो रही है, लेकिन ये ऑन ही नहीं चाहिए। अब ये खड़े में इतनी लीक हो रही है, तो चलते टाइम ये इंजेक्शन ज़्यादा करता होगा, मतलब करता है गैस का, जिससे हमारी गाड़ी एवरेज कम देती है और हमारा जो O2 सेंसर है उसका भी कोड होगा। देखिए ये लीकेज है और इनको चेक करना बिल्कुल आसान है। इनको चेक करना बिल्कुल आसान है। देखिए सेल्फ लगाना है, चेक करना, देखिए इंजेक्शन करने, ये हमने देखिए इंजेक्टर चेक किए हैं, ये लीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इस वजह से ख़राब होते हैं कि इनका ख़राब होने का सबसे मेन कारण है कि जो हमारा जो ये फिल्टर होता है सीएनजी के फिल्टर, इनमें कचरा आ जाता है। इनका कचरा ये साफ न होने की वजह से आगे इंजेक्टर में जाके फंस जाता है और हमारे इंजेक्टर ख़राब हो जाते हैं। तो हमने ये जो सीएनजी का फिल्टर है ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना, BS6 हो या 4 हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।